2013 के टाइम पे ना ये पूरा जगह यहाँ लैंडस्लाइड हो गई थी और यहाँ तक ना दरार पड़ी हुई थी यहाँ। और एक हमारा खेत यहाँ नीचे पे, ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो तो ये भी टूट गया ही। देखो आप, हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांची, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और अब भैया बरसात के मौसम की शुरुआत हो गई है बहुत खतरनाक वाली। कल 8-9 बजे से, रात की 8-9 बजे से बारिश लगना शुरू हो गई थी और अभी सुबह की लगभग 8 बज गई है, तो बारिश हो ही जा रही है। और वो भी ऐसे नहीं कि कम बारिश हो रही है, बहुत ही तेज वाली बारिश हो रही है। तो 2-3 दिन से लगातार तगड़ी वाली धूप हो रही थी, तो अब बारिश हो गई और बारिश भी ऐसे हुई कि बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हो गई। तो ऐसा कुछ है भाई, मौसम काफी तगड़ा हो रखा है और सामने बादल देखो आप चारों तरफ, और ऐसे नहीं कि इस साइड भी तगड़ा वाला मौसम खराब है। तो यहाँ नीचे पे देखो गाय जा रहे हैं जंगल की तरफ, यहाँ पे देखो आप, ये नीचे इस साइड देखो, यहाँ पे दादाजी जा रहे हैं गाय को जंगल लेकर के। ऐसा ही कुछ है भाई, पहाड़ों में काम जरूरी है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ हो, मतलब अपने काम करने हैं। गाय, अब गाय रखी हुई है तो उनको जंगल ले जाना जरूरी होता है, गाय बकरियां जिनकी भी होती है ना, तो उनको जंगल ले जाना ही पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ अंदर तो रख नहीं सकते हैं, अंदर थोड़ा बहुत जब बर्फ पड़ जाती है, ज्यादा ही जब बर्फ पड़ जाती है तब रख देते हैं, ज्यादा ही ठंडे में तब मतलब घास लेके आते हैं और अंदर ही डालते हैं घास। लेकिन अभी बारिश है तो बारिश में चलता है, बारिश में ले जा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और घर के नीचे ही साइड ना लोग लगे हुए हैं अपने राजमा की बेल पे सटके लगाने पे, यहाँ नीचे साइड चाची लोग और वो सब लगे हुए हैं। बाकी आजकल यही काम चल रहा है भाई सटके लगाने का, क्योंकि राजमा की बेल भी काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं तो उन पे भी ये लगाना जरूरी है। बाकी बारिश तो रुक नहीं रही है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए यहाँ पे एक टाइम लैप रखा जाए, तो टाइम लैप, तब तक आप टाइम लैप एंजॉय करो, आगे का तगड़े वाले बादल लगे हुए ना तो मस्त वाला टाइम लैप आएगा। तो जैसे मैंने टाइम लैप के लिए रखा ना, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ, लेकिन पूरे बादल देखो, पूरा सारी जगह सफेद हो गया है, पूरे बादल लग गए और उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे साफ होने का तो भाई अभी भरोसा भी नहीं है कब साफ होता है। बाकी बरसात के टाइम पे ना यहाँ लोग कम ही रहते हैं, मतलब जिनके छोटे छोटे बच्चे स्कूल वाले होते हैं तो वो यहाँ से रांची शिफ्ट हो जाते हैं, तो बरसात के टाइम पे दिक्कत भी होती है, जगह जगह पानी आता है। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल पानी आता है, कम पानी आता है, इतना भयंकर वाला पानी आता है ना यहाँ, बहुत ही तगड़ा वाला। और बरसात के टाइम पे इस जगह, ये सामने यहाँ ना बहुत ही तगड़ा वाला पानी आता है, मतलब इतना बड़ा गधेरे टाइप के आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ है, बाकी 2013 के टाइम पे ना ये पूरा जगह यहाँ लैंडस्लाइड हो गई थी और यहाँ तक ना दरार पड़ी हुई थी यहाँ, तो इसलिए मतलब यहाँ के लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं कि बरसात के टाइम पे पहले तो यहाँ से रांची शिफ्ट हो जाते हैं सीधे, क्योंकि स्कूल भी नजदीक पड़ती है और साथ में मतलब लैंडस्लाइड की उतनी डर नहीं है ऊपर, तो इसलिए वहां शिफ्ट हो गए थे। बाकी यहाँ तो भाई इतना खतरनाक डर लगता था ना उस टाइम पे, अब तो काफी टाइम से मतलब यहाँ जो यहाँ की नाली थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई, तो इसलिए थोड़ा बहुत बचा हुआ है। मतलब अभी 6-7 सालों से मतलब उतना मतलब तगड़ी वाली लैंडस्लाइड नहीं हुई है या उतना ज्यादा पानी आया नहीं है, तो कुछ ऐसा है भाई। कल घास देखो आप कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है, ये देखो आप सामने, और सामने का व्यू कुछ ऐसा है। बाकी वो लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ से, ये पूरा जगह मतलब ऐसा हो गया था कि पूरा काला पड़ गया था, मतलब पूरा नीचे आ गया था ये पूरा जगह, देखो आप यहाँ तक। तो अब ऐसा हो गया कि जो यहाँ का पानी है ना वो वहां शिफ्ट हो गया आगे वहां। और नीचे पे देखो चाची जी जा रही है गाय को लेकर के जंगल की तरफ, ये देखो आप। और मौसम ऐसा कुछ हो रखा है आज चारों तरफ का, वैसे बर्फीले पहाड़ दिखने बैठ गए थोड़ा बहुत नीचे साइड ही देखो आप। तो अब सावन का मौसम भी शुरू होता है और बारिश तगड़ी वाली लगना शुरू हो जाती है। और साथ में यही नीचे पे यहाँ पे ये चौड़े चौड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये देखो आप ये चौड़े चौड़े ये वाले पत्ते, तो ये हैं अरबी के पत्ते और इनकी खासियत दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो इसमें ना पानी अटकता नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कितना फिसल रहा होगा, ये देखो आप पानी देखो यहाँ पे ऐसा होता है इसमें, ये देखो पूरा ऐसा फिसलता है, तो ऐसा कुछ होता है भाई। तो अभी देखो फिर से पूरे बादल ही बादल लग गए और इसको पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है कि कुयोड़ू लग गया, कि बादल को कुयोड़ू बोला जाता है। बाकी आगे चलते हैं अब घर की तरफ थोड़ा,
और यहाँ पे आड़ू के पेड़ भी काफी हरे भरे हो गए हैं, कहीं कहीं तो आड़ू भी लगे हुए हैं काफी अच्छे वाले, लेकिन यहाँ पे ये अभी छोटा ही है हरा। जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम खुला है वैसे ही नीचे देखो आप पहाड़ पे कितने सारे गदेरे आ गए हैं, तो इतनी खतरनाक बारिश हो रही है भाई। यहाँ पे देखो एक गदेरा ये हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे गदेरा हो गया, वहीं ऊपर पे यहाँ ऊपर पे गदेरा हो गया, मतलब पूरे पहाड़ पे आपको गदेरे गदेरे दिखेंगे आगे यहाँ से और पूरे यहाँ तक, मतलब लगभग गदेरे गदेरे। तो ऐसा कुछ होता है भाई, दो चार दिन बारिश से तो बहुत फर्क पड़ता है। बाकी अब तो सावन का मौसम आने वाला है तो देखो आप पूरी सफेदी रहती है इस पहाड़ पे। लगभग 11:30 हो गया, अब जाके मौसम खुला है, मतलब पूरे बादल लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं लग रही है, मतलब मौसम खुल गया है। बाकी जब ना सब लोग घर में रहते हैं तो काम ना 3-4 में बढ़ जाता है, जैसे छोटी बहन गई है गाय के साथ और यहाँ पे देखो तो इसका काम है आज बर्तन धोने का, तो ये बर्तन धो रहा है। बाकी मेरा काम है खाना बनाने का, तो मेरे पास खाना बनाने का काम है। बाकी यहाँ पे भाई साहब लगे हुए हैं, तो आप लोगों को मैंने अपने भाई से कम ही मिला रखा है, तो ये छोटा भाई है, इसका नाम रोहित हुआ और अभी इसका, अब इसके बाद इसका कॉलेज है। तो बाकी ये लगा हुआ है मस्त से यहाँ पे बर्तन धोने में, जब तक ये बर्तन धोता है तब तक हमारा काम है रेस्ट करना तो तब तक ये बर्तन धो, उसके बाद खाना बनाएंगे। बाकी ऐसा कुछ है भाई ना, आपको खेतों की हालत दिखाता हूँ मैं, तो बारिश में ना ये फर्क पड़ता है यहाँ, इसीलिए लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं कि मतलब जो रोड से नीचे वाले हैं ना वो सीधे रांची शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ऊपर चले जाते हैं क्योंकि वहीं स्कूल ही पड़ जाती है और बाकी सही पड़ जाता है। लेकिन अभी देखोगे ना आप चारों तरफ इतने सारे खेत टूट गए हैं, और यही हमारे नीचे पे देखो यहाँ पे भी इस पे पूरी दरार आ गई है, मतलब ऐसे सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, तो ऐसे होता है कि पानी ना तो ऊपर से नीचे ही आना है, तो बाकी ऐसे आते आते वो नीचे, और कहीं कहीं तो इतने सारे खेत तोड़ के ले जाता है। और साथ में आपको थोड़ा बहुत अपने खेत साइड भी ले जाता हूँ आगे साइड, यहाँ भी इतने सारे खेत टूट रखे हैं ना बहुत ही ज्यादा। सामने पे देखो आप एक यहाँ पे ये टूटा हुआ है, और नीचे साइड दिखाता हूँ मैं, यहाँ नीचे देखो आप यहाँ पे एक यहाँ पे टूटा हुआ है, और यहाँ नीचे साइड तो बहुत टूटे हुए हैं भाई। और इसके बाद ना अब इतना सारा काम पड़ जाता है, मतलब उस भीड़ को लगाना पड़ता है, और फिर उसके बाद जैसे ही अगली बारी, जैसे ही अभी तो नहीं लेकिन 3-4 महीने बाद जैसे ही ये मंडवा निकालने के लिए हो जाता है, उसके बाद फिर से हल लगाने के लिए होता है, तो तब सबको एक बारी फिर से लगाना पड़ता है। और खेत का जो बीच का पार्ट निकल जाता है ना उसको पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है पगार, मतलब पगार टूट गए हैं कि, तो ऐसा ही कुछ होता है। बाकी ऐसा होता है वो ऐसे देखो, और कहीं बीच में पानी पड़ गया, पानी उसके बीच में आ गया, मतलब पत्थरों के बीच में, और मिट्टी की भराई रहती करके यहाँ पत्थर भी बहुत कम होते हैं, तो अगर पत्थर लाने होंगे तो सीधे आगे से कंधे में लाने पड़ते हैं पत्थर भी, ऐसा कुछ होता है। बाकी टूटने बैठ गए हैं, और अब तो इसके बाद अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी मतलब सावन का महीना भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बारिश उतनी ज्यादा स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है टूटना, इसके बाद तो भाई इतना ज्यादा टूटता है ना यहाँ, इतना ज्यादा क्या ही बताएं। और अपनी बिल्ली भी आ गई यहाँ पर, और एक हमारा खेत यहाँ नीचे पे, ये देखो आप यहाँ पे ये देखो, तो ये भी टूट गया, ये देखो आप ये हमारा वाला खेत है तो ये टूट गया यहाँ पे भाई। और यहाँ नीचे यहाँ से यहाँ पे देखो आप, ये तो इसी बारी लगाया हुआ था, ये चाचा जी लोगों का है तो ये इसी बारी लगाया गया था, और यहाँ देखो 2 दिन की बरसात में ये भी टूट गया यहाँ पे, और इसी के आगे वहां पे भी एक छोड़ वहां पे भी टूट रखा है, तो 2 जगहों पे भाई एक खेत में तो 2-2, 3-3 जगहों पे रहता है ये खेत बोर का, मतलब इतनी भयंकर वाली कंडीशन रहती है कि मतलब टूटते रहते हैं, अब तो पगार हद से ज्यादा टूटते हैं, ऐसे नहीं कि कम, इतने ज्यादा टूटते हैं ना अब क्या ही बताएं। इसके बाद का काम यही होता है एक बारी अपने पगार लगाना, खेत के भीड़ लगाना, क्योंकि लोग तभी हल लगा पाते हैं, नहीं तो पूरे पत्थर देखो पूरे खेत में आ जाते हैं, तो उस चक्कर में ऐसे होता है कि एक बारी पगार लगाना ही पड़ता है, बाकी उसके बाद हल लगता है, तो ऐसा कुछ है। तो बरसात के टाइम पे वैसे 2-3 चीजों का दिक्कत ज्यादा होता है, एक होता है कि कहीं रोड टूट जाती है तो उस चक्कर में लोग इधर उधर नहीं जा पाते, और इस चक्कर में तो भाई यात्रा भी मतलब कम हो जाती है, लोग मतलब उस टाइम पे कहीं पत्थर पड़ जाते हैं, और साथ में जगह जगह अब तो भाई धारे धारे आते हैं, मतलब जगह जगह पानी आता है। तो अभी देखो छोटी बहन आई है जंगल से लकड़ी लेकर के, अभी गाय के साथ गई थी ना ये, और माँ गई है नीचे खेतों में काम करने के लिए, मतलब गुडाई करने के लिए, तो बाकी ऐसा कुछ है भाई। तो बड़ी मुश्किल के बाद अभी शाम के टाइम पे ना मौसम सही हुआ है, और हम चले हैं यहाँ से रांची की तरफ थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेलने, बाकी चलते हैं भाई।
लगभग टाइम भी हो गया है, 4:30 बजे हम घर से निकल जाते हैं और आराम से 5 बजे वॉलीबॉल मैच स्टार्ट होता है, बाकी 6-7 बजे तक वहीं रहते हैं।